हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, ये देखिए, जो कि शॉर्ट नोटिस आया था 26 फरवरी को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि 2 दिन के बाद जो है उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में कुछ नहीं था, सिर्फ था कि वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वो वैकेंसी लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 दिन के बाद मैं लेके आने वाला हूँ फुल नोटिफिकेशंस। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो विज्ञापन जारी हो चुका है नया वाला, और जो है फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में जो है आप एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो ऑफलाइन करना है आपको आवेदन, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है, आपको PDF में भी मिल जाएगा पूरा नोटिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आपको दिखाते हैं पूरा फुल नोटिफिकेशन क्या है JTDS यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत जो कि वैकेंसी आई हुई है। तो पहले फ्रेंड्स, आप जो है इसका वेबसाइट देख लीजिए, www.jtdsjharkhand.org पे जाइएगा, तो ये आपको खुल जाएगा वेबसाइट झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी का। और थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर जो करियर का ऑप्शन है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेटेस्ट वैकेंसी में सबसे जो पहला है फ्रेंड्स, वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2018-19, ये है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपको जो है वेबसाइट पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है, अब दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर है झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत जो है, जो मैंने बताया था जो जो पोस्ट था वो आप जानते ही हैं कि मैनेजर का था फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में, और भी बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ दिया गया है, उसमें अकाउंटेंट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है, प्लानिंग आपको मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिसर है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिसर है। यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट दिया गया है कितना कितना है, और अनरिजर्व ST SC BC1 BC2 सबके लिए यहाँ पर दिया गया है पूरा पूरा पोस्ट, और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ देखिए, पहला जो पोस्ट फ्रेंड्स, वो है मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको ICAI से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट में होना चाहिए, या MBA आपको फाइनेंस होना चाहिए फुल टाइम कोर्स। और जो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, या 5 साल का होना चाहिए, और साथ में जो एज दिया गया है 55 साल होना चाहिए मैक्सिमम आपका। और जो फ्रेंड्स, यहाँ पर सैलरी आपका है 60,000 है, 54,000 है, और 42,000 रुपये सैलरी है। और यहाँ पर जो दिया गया है क्या क्या आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या काम करना है, सब कुछ दिया गया है। तो दूसरा पोस्ट है फ्रेंड्स, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स FAO, जिसमें कि 3 पोस्ट है, जो तीनों में के लिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखिए तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या PG होना चाहिए कॉमर्स में, या MBA होना चाहिए फुल टाइम में। इसमें भी फ्रेंड्स 1 साल का एक्सपीरियंस है, या 4 साल का है, और साथ में 55 साल का एज है, और 36,000 सैलरी है, और यहाँ पर दिया गया है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन। तीसरा फ्रेंड्स, जो कि अकाउंटेंट का है, इसमें भी 3 पद हैं, जो कि MBA होना चाहिए आपको, या PG होना चाहिए कॉमर्स में, और यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, या बहुत सारा दिया गया है, और क्या क्या अगर होना चाहिए आपको, और क्या क्या उसमें दिया गया है एक्सपीरियंस। और एज जो है 55 साल का होना चाहिए, और सैलरी यहाँ पर सबका अलग अलग दिया गया है, 24,000, 24,000, 21,000, 19,000 यहाँ इस तरह से। और जो यहाँ पर है दूसरा, प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिसर, उसका भी यहाँ 3 पोस्ट है, और सैलरी है 36,000। इसमें जो है PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, RDRM PG डिग्री इन इकोनॉमिक्स या स्टेटिक्स में, 2 साल का मांग है एक्सपीरियंस, और जो है 55 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 36,000 सैलरी है। आगे है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिसर्स, जो कि 2 पोस्ट है, इसमें आपको होना चाहिए ग्रेजुएट एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में। आपको जो है मैक्स जो है मिनिमम ईयर है वो 3 साल या 2 साल है, और एज 55 साल है, सैलरी है 36,000 और 30,000 है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, जो कि 1 पोस्ट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 55 साल एज है, और 36,000 सैलरी है, और इसमें आपको फुल टाइम 2 साल का PG डिग्री होना चाहिए। ये रहा, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उसका ऑफलाइन जो फॉर्मेट है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप लोग यहाँ से निकाल के भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको आपको
कब तक भेजना है मैंने शॉर्ट नोटिस में बताया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, इसको जो फ्रेंड्स आप लोग 21 मार्च 19 तक इसको भेजना है आपको, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, कुरियर या हैंड टू हैंड जा सकते हैं। आपको कहाँ भेजना है ये पता यहाँ दिया हुआ है, टू द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड ट्रेवल डेवलपमेंट सोसाइटी SPMU रांची मोराबादी 834008 में भेजना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया था कि 2 दिन के बाद मैं बताने वाला हूँ फुल वैकेंसी अपडेट के साथ, तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।